नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। एक बार फिर से बैंक कर्मी स्ट्राइक पे हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले भी बैंक कर्मी स्ट्राइक पर थे और सरकार के खिलाफ निजीकरण को लेकर, बैंक जो निजी हो रहे थे उसको रोकने के लिए किया गया था। इस बार जो है IBA के खिलाफ में है और IBA के तहत जो कुछ एक डील हुआ था बैंक कर्मी और IBA के बीच, वो पूरा नहीं हो पा रहा, उसका पालन नहीं हो पा रहा, जिसको लेके बैंक कर्मी जो है स्ट्राइक पे। क्या कुछ उनकी मांगे, क्या कुछ कहना, तमाम बातों को लेकर क्या कुछ कहना है, आए आपको हम वो दिखाते हैं। सर, जिस तरीके से IBA अपने बात से मुकर रहा है, आप लोगों की डिमांड नहीं पूरी कर रहा है, ऐसे में आप लोग आगे क्या करेंगे? ये देखिए, ये शुरू से IBA की नीति रही है टाइम पास करने की, और ये कंटिन्यू टाइम पास करते हैं। 11th बाइपार्टाइट को भी करने में उनको 3 साल लग गया, और उसमें जो 100% जितनी बातें हुई थी, जो समझौता हुआ था, उसको लागू करने में उनको समय लग गया। जो पेंडिंग इश्यूज रह गए थे उसके बारे में बार बार UFBU के तरफ से चिट्ठियां जा रही है, बार बार हम लोग से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि उसे लागू करें, जिसमें कि 5 डेज बैंकिंग है, पेंशन इशूज है, पेंशन का अपडेशन वर्षों से नहीं हुआ है, उसका अपडेशन करना है। ये 2 मुख्य मुद्दे हैं जिसको कि वो पेंडिंग रखे हुए हैं, और नेक्स्ट बाइपार्टाइट हमारा ड्यू हो गया है नवंबर से। इसलिए हम लोग का डिमांड है कि पहले जो 11th बाइपार्टाइट है उसको क्लींज कीजिए, तब फिर 12th बाइपार्टाइट की बात होगी। और इसके लिए हमने दबाव दिया है, और अभी अगर ये लगातार हम लोग का स्टेशन प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, ये 3रा दिन है आज इस महीने में, उसके बाद फिर UFBU का सेंट्रल कमेटी डिसाइड करेगा कि हम लोग स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं, ऐसी संभावना है। देखिए, IBA के साथ 11th बाइपार्टाइट ज्वाइंट नोट साइन हुआ था पिछले नवंबर में, और उसके बाद उसके कई सारे इश्यूज़ हैं जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है IBA ने। उसमें 5 डेज बैंकिंग, पेंशन अपडेशन और फिटमेंट, स्टैग्नेशन, इंक्रीमेंट इन एडवांटेजेस, तो ये सारा कुछ IBA को इम्प्लीमेंट करना था विद इन टाइम लाइन एज पर ज्वाइंट नोट। और अब हमारा नेक्स्ट बाइपार्टाइट भी ड्यू हो रहा है नवंबर में, इसके लिए जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो हम लोग मई में सबमिट करेंगे। लेकिन ये 5 साल में एक बार वेज रिवीजन होता है, और अब लगभग नेक्स्ट रिवीजन ड्यू हो गया, लेकिन पुराने रिवीजन का मुद्दा अभी तक पेंडिंग है, और इसलिए IBA के खिलाफ हमारा ये आंदोलन शुरू हुआ है जो अभी डिमॉन्स्ट्रेशन से था, और इसके आगे हम लोग तय करेंगे कि आगे किस तरह की रणनीति हम लोग अपनाएं और इन अपने स्टेशन को कैसे इंटेंसिफाई करें। पहले भी आप लोग धरने पर थे, पूरी बैंक कम्युनिटी IBA से, इसके पहले हम लोग धरना पे स्पेसिफिक इशू पे 2 दिन के स्ट्राइक के लिए थे, और वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीति, प्राइवेटाइजेशन की नीति जो थी उसका विरोध हम लोग कर रहे थे, और वो स्ट्राइक स्पेसिफिक प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट में। ये IBA के खिलाफ। तो आपने देखा, बैंक कर्मी साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि जो IBA के तहत डील हुई थी, जिसमें था कि हमारी पेंशन बढ़ोतरी और साथ ही साथ कई मसलों को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन उसका अभी तक पालन नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर हम लोग अभी स्ट्राइक पे हैं और आगे भी स्ट्राइक पे जा सकते, सड़कों पर उतर सकते अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है। देखने वाली बात होगी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन उनकी मांग पूरी करता है या फिर नहीं करता है, लेकिन बैंक कर्मी एक बार फिर से सड़कों पर उतर सकते हैं, ये जरूर तय माना जा रहा है। तो आप इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24 न्यूज़। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।